नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासी, उत्तराखंड वासी, सभी मित्रों को आज बूढ़ी दिवाली इगास की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तराखंड में कई सालों सदियों से चली आ रही इगास दिवाली आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं? दीपावली हर साल दीपावली के ठीक 11वें दिन में हम लोग बूढ़ी दिवाली मनाते हैं या इगास भगवान मनाते हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम क्यों मनाते हैं, कब से ये दिवाली मनाई जाती है, अर्थात इगास की दिवाली। सबसे पहले उत्तराखंड में ये त्यौहार सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई कहानी या कह सकता हूँ मैं तर्क देता हूँ कि इगास की मान्यता ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के वीर माधो सिंह भंडारी से जुड़ी हुई है। वीर माधो सिंह भंडारी टिहरी के राजा महपति शाह के सेनाओं के सेनापति थे। अब राजा ने माधो सिंह भंडारी को सेनापति नियुक्त किया था, तो इसके लीडरशिप में सेना को लेकर के तिब्बत पर युद्ध के लिए इनको भेजा। आज से लगभग 400 साल पहले की ये बात है, ये घटना है। तो वीर माधो सिंह भंडारी अपने सेना को लेकर के तिब्बत में युद्ध के लिए गए, और किंतु इस बीच ठीक दिवाली आती है, बवाल आता है, तो वीर माधो सिंह भंडारी भी और ना ही उसके कोई सेनापति वापस लौटता है। सब लोग मनी मन में दुख, सब लोगों को शंका थी कि अब जो सेना यहाँ से तिब्बत युद्ध के लिए गए हैं, वीर माधो सिंह भंडारी जो सेनापति हैं, ये सब के सब क्या हो गए, उस युद्ध में हार गए, मर गए, शहीद हो गए, तो लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। ठीक दीपावली के 11वें दिन में वीर माधो सिंह भंडारी के लीडरशिप में युद्ध जीत करके सभी सेनापति वापस लौटते हैं, और इस दिन ठीक दिवाली के 11वें दिन जब एक अपने वतन वापस लौटते हैं, उत्तराखंड वापस लौटते हैं, इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन को खुशी इजहार करने के लिए उत्तराखंड में इगास मनाया जाता है। तो दोस्तों, हेलो गाइस, नमस्ते। देखो, आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। आज हम जो है सीजन का पहला गाजर का हलवा बना रहे हैं, और जो है ये आज इस खुशी में कि आज छोटी सी पाई वाली है, ये देखो गाजर लेके आए मेरे हस्बैंड। यहाँ देखो, जैसे अपने वैसे गाजर लेके आते हैं, देखो। और दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। ये देखो, अदरक लेके आए हैं। ये जो है अदरक है 40 रुपया पाव। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, गाजर को धोने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ये धोने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है। गाजर छील रहे, हमारे पास छीलने वाला नहीं है, तो जो है आज कल ही में मुझसे टूट गया, तो ये देखो चाकू से गाजर छीला जा रहा है। हम गाजर छील रहे हैं, ये देखो, ये आधा मैं छील चुकी हूँ, तो ये आप जो है छील रही हूँ गाजर का हलवा। ये देखो, ये छील चुके हैं, और ये देखो इस प्रकार से जो कि गाजर को हमने बारीक पीस लिया है,
या छीन लिया है जो भी है। आज जो है गुड्डी दिवाली है यानी इगास, जो कि दिवाली की 11 दिन बाद आती है इगास दिवाली। अब मैं इसे रखती हूँ साइड और इसे साइड कर देती हूँ और अब जो है आटा गूंदने की तैयारी कर ले। इसलिए गूंदा जा रहा है पूरी बनाने के लिए, ठीक है। मीठे पूरी जो भी है वो भगवान को पहले चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। ये देखो मेरा आटा जो है, इसे रखती हूँ मैं 5 मिनट। ये है ये, इसमें थोड़ा सा है और इसलिए दूसरा और अब जो है ये मुझसे नहीं खुल रहा है तो आप शायद दर्ज के पाप को बोलना पड़ेगा मुझे। ये मेरा मलाई का है, बनेगा थोड़ी देर में। पहले इसका काम कर लेते हैं पूरी का काम। और ये मेरा छोटा सा लोहे की कढ़ाई, इसमें जो है पूरी तलते हैं, किसी से डालते हैं तो पूरी तलने के लिए तेल। ये मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हुआ है, अभी बस बन चुका है, थोड़ा सा और उसको ये मेरे छतरी चल रहे हैं साइड पे, थोड़ा सा पानी रहा होगा इस पे तो ये थोड़ा सा तेल गर्म हो गया। ये देखो ये मेरे फूली फूली पूरियाँ, जो है ये दो भगवान जी के लिए बनाएंगे, जो कि कांच की थाली में रखे हमने। ये पहले 4 पूरियाँ हम जो है पहले भगवान जी के लिए बनाएंगे। ये मैंने बना के रखी है, ये सराई छोटा हो गया, पूरी बड़े हो गया सराई। अभी फिलहाल बना रही हूँ, इसके बाद मेरे पतिदेव तल देंगे और मैं बनाऊंगी पूरियाँ। तो मैं थोड़ा सा बेलती हूँ और जो है मैं बेलती हूँ तो पका तल मेरे पतिदेव देंगे। ये मेरे पतिदेव हैं, ये जो पूरी तल रहे हैं। हेलो, देखो ये मेरा बच्चा है जो खाने के लिए उतावला हो रहा है और नौटंकी करता है बहुत ज्यादा। ये देखो मेरे हस्बैंड जो है प्याज काट रहे हैं और मैं जो है उनकी सेल्फी या वीडियो बना रही हूँ। सेल्फी नहीं कहते, वीडियो। मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। प्याज काट दिया, इन्होंने गाजर का हलवा बनाया था जो कि गाजर सेशन का फर्स्ट हलवा इस बार का। आज इगास का पर्व उत्तराखंड के गढ़वाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
इसलिए सुबह से दक्ष भी स्कूल जाने से पहले कहते हैं कि पापा आज दिवाली है, दिवाली है, दिवाली बनाओ, दिवाली बनाओ। तो हमने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके लिए पटाखे, मोमबत्तियाँ, पूरी, ये सारे व्यवस्था कर दी हम लोगों ने, ताकि दक्ष परेशान ना रहे कि हम लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। एक्चुअली हम लोग इस दिवाली को मनाते नहीं, हम लोगों का दिवाली सिर्फ एक ही होता है। तो खैर गढ़वाल में तो ये दिवाली प्रचलित है, इसलिए हम लोग भी गढ़वाली हैं तो इस त्यौहार को मनाने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब छोले बनाने की बारी शुभन राणा जी। ये भगवान जी के लिए पूरी और हलवा। ये माँ हिरामणी का मंदिर है जो कि मनारे के कुल देवी मानी जाती है। पटाखे के लिए क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, मुझे पटाखे चाहिए, पटाखे चाहिए। भगवान जी के लिए प्रसाद रखे हमने। ये कैंडल जला रहे हैं। बाकी कैंडल दरवाजे के इधर उधर जला रहे हैं क्योंकि हमें दिवाली में यहाँ पर बैठे हैं। इसका Happy
स्टार्ट हो गया। ये देखिए आज बूढ़ी दिवाली के शुभ अवसर पर सुमन के द्वारा एवं दक्ष के द्वारा घरों में दिए तो है नहीं पर कैंडल के द्वारा घर के दरवाजा और खिड़की को सजाया जा रहा है। दक्ष बर्थडे नहीं है बाबू, ऐसा नहीं। फिर पटाखे फोड़ना आपको यदो बाय बाय। वो जल गया दक्ष, करो तू जला ना। अरे अभी तो वीडियो बन। क्या करोगे तू फेंकी? चल 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 बच्चू आगे दूर दो। दक्ष हेलो करो। ये सुमन मुर्गा छाप फोड़ रही है और कहती है कि मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन यहाँ पे मुर्गा छाप फोड़ने में इसका आफत आ रहा है। देखिए तब कहती है कि मुझे आर्मी में जाना है और इस प्रकार से इसने आग लगा और इस चोट बहुत अच्छी चोट है, लेकिन दो ही पटाखे इनसे फूटे गए। आप ये डर रही तो मुझे जाना पड़ेगा। है दक्ष नो आ जाओ, अब ये मुर्गा छाप है। दक्ष पीछे चलो, आप पीछे चलो। ओके आप ये बोल दे तो उसको। हाँ बिल्कुल, ये दक्ष के द्वारा यहाँ पे रखा गया। दक्ष कह रहा है कि इसको यहाँ पर लगा तो हम इसको दक्ष को देखो तो मैंने माचिस यूज़ जलाया और ये मेरे द्वारा जलाया गया है। ओह अब ये लास्ट पटाखे हैं और इसको मैं आप कैसे मैं ये बहुत अच्छी चोट इस पे है। खैर ये छोटी दिवाली थी, सॉरी बूढ़ी दिवाली थी। एक्चुअली मेरा तो प्लान नहीं था कि मैं पटाखे फोड़ूं और ये दक्ष के वजह से मैंने, ये मेरा बच्चा दक्ष है इसके वजह से मैंने ये दिवाली क्या कहते हैं घास वाली जो दिवाली पहली बार मैं हम लोग मना रहे हैं, मनाते नहीं लेकिन दक्ष के वजह से। ये देखिए दक्ष चलो पीछे चलो। यहाँ पे देखो मैं इतनी दूर हूँ पर ये पटाखे फोड़ रहे हैं। वो देखो पापा क्या फोड़ रहे हैं बम। मजा आ रहा है दक्ष? आप बहुत अच्छी चोट पे हैं तो इसके पास को दोबारा फोड़ो। मैं फोड़ू मैं फोड़ू क्या एक मैं उतर नहीं जा रही हूँ, डर लग रही है। देखो 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 बहुत अच्छी चोट है इस प्रकार से। देखो
पतंग आ जा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, और कपड़े भी हैं बच्चों के। ये देखो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी देखो कैसे दौड़ते हैं। अभी देखो अरे मम्मी ये देखो अभी कैसे चलते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो ये देखो दक्षी देखो कैसे दौड़ रहे हैं। फिर मैं आपको पुनः एक बार उत्तराखंड का जो बहुत प्रमुख त्यौहार है घास उसकी तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बस आपने रसगुल्ले बोले थे, हमने बीच में ये बनाया है ना, आज रसगुल्ले नहीं थे तो हमने ये बनाया, आपको रसगुल्ला कल खिलाएंगे ठीक है। आज ही बताए एक बार गाजर का हलवा चख के बताओ कैसे हो रहा है। बिल्कुल हम एक बार गाजर का हलवा चख के बताएंगे आपको कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि गाजर का इस साल का पहला हलवा हम लोगों का है तो बहुत स्वादिष्ट हो रहा है ना। खैर जैसे भी बनाया तो स्वादिष्ट होना ही है, अगर हम ख़राब कहेंगे तो कल से खाना नहीं मिलेगा है ना। तो ये पहले हम लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं, ये विशेषकर मैं अपनी दादी को अर्पित करता हूँ और उसके पश्चात मैं खुद भोजन ग्रहण करता हूँ ठीक है ना। देखिए अब मैं किस प्रकार ले रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छा।